मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। सो और क्या चल रहा है भाई लोग, क्या भी चल रहा हो तो चलता रहेगा, बढ़ते हैं आगे। तो भैया अगर सैंडविच को टेस्टी बनाना हो तो उसमें मिलाओ मियोनी। हेलो गाइस, आई एम सन्नी लियोनी। और अगर सैंडविच अच्छी ना बने तो मुंह से निकलती है गाली। हेलो गाइस, मैं कमरा खाली। स्कॉलरशिप को हिंदी में कहते हैं वजीफा। हेलो गाइस, आई एम मियां खलीफा। देखा कितनी अच्छी अच्छी राइमिंग बना लेता हूँ मैं। हेलो गाइस, आई एम मियां खलीफा। मैं कहना चाहता हूँ एक भैया ने कुछ ज्यादा ही बोला उल्टा, आपको दिखाऊं उनकी वीडियो, ये देखो, ये देखना। देखो भैया, अभी तक तुमने सुना होगा कि जहाँ चार यार मिल जाए वहीं बात बन जाए, लेकिन यहाँ सीन कुछ अलग है जो कि बिल्कुल सत्य है। भैया यहाँ पे दो यार मिल जाए तो 12 बन जाए। अब 12 कैसे बन जाए वो तो तुम्हें पता ही होगा। मानसी ले ले ले, मानसी कहाँ चली गई है? हमारा गर्द करने गई है, पता नहीं कहाँ पे गई है। आ एक बार इसको ध्यान से देखो, नहीं नहीं एक बार और देखो। अब तुम लोग सोचो कि टिकटॉक वाले ऐसा क्यों बोलते हैं कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। गाइस आज मेरे पास टाइम नहीं है तो वीडियो नहीं आ पाएगा, आज ही मेरा कद्दू मेहनत लगती है। ऐसे करने को तुम मेहनत कहते हो? तो भाई साहब ऐसा तो मैं दिन भर में पता नहीं कितनी वीडियो बना दूं। देखो एक अभी बना के दिखाता हूं तुम्हें। हाय गाइस, आई एम सनी लियोनी और मैं कहना चाहती हूं कि गाइस मेरे पीछे से एक लड़का जा रहा था और मुझे देख के वो हंसने लगा। पता नहीं क्यों मुझे देख के समझते हैं। और भैया ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। आजकल इन लोगों का वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है ना कि हर कोई बोल रहा है मैंने मीठा बहुत पसंद है। तो आओ फिर एक दो लोगों को और देख लेते हैं। हेलो गाइस, मैं आपकी चहेती कमरा खाली और आज मेरे साथ एक न्यू फ्रेंड आ चुकी है दुकान खाली। हाय गाइस, मैं हूँ दुकान खाली और मेरी ये फ्रेंड है कमरा खाली। तो दोनों ने हमारी आईडीज और हमारे फॉलोअर्स लाइक कमेंट शेयर। एक का नाम कमरा खाली, एक का नाम दुकान खाली। टिकटॉक देखने वालों का इसने कान खाली। सुबह एक ने केला खाली, एक ने पपीता खाली। दोपहर में अपने मम्मी पापा से डांट खाली। शाम को टिकटॉक देखने वालों से इन्होंने गाली खाली। कानों में पहनी है इन्होंने बाली बाली। और भाई साहब टिकटॉक पे इतने अफवाह फैलाने वाले बैठे हैं कि मैं क्या ही बताऊं, मतलब सफेद झूठ। ये देखो एक वीडियो देखो आप लोग। अक्षय कुमार ने ड्राइवर की बहन की शादी में जमकर किया डांस और 5 लाख का किया कन्यादान। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। भाई साहब माना कि अक्षय पाजी अच्छे आदमी हैं और वो दान दक्षिणा और लोगों की हेल्प करते रहते हैं, लेकिन भाई साहब यहाँ तो तुम सफेद झूठ बोल रहे हो। सीधा सीधा दिख रहा है कि अवार्ड शो का वीडियो है और तुम अपना अलग ही पेले हो, मतलब भाई। और भाई साहब मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, हाँ हाँ तुमसे, जिसने इस वीडियो के ऊपर राइट ओवर किया है, भाई साहब पहले हिंदी तो सीख लो। ड्राइवर की बहन की शादी में किया डांस, 5 लाख रुपए का किया कन्यादान। भाई साहब ये लोग ऐसे हिंदी लिख के हमारी जला रहे हैं। अम्मा ए अम्मा, सारे मिलके हमको पागल बना। तो यार जितना हो सके ऐसी अफवाहों से दूर रहें और किसी भी अफवाहों पे विश्वास ना करें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल पंप। सबक एक को सीख हम सबको। तो यार बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। ऐसे तो नहीं जान दूंगा। और हाँ, मन में कुछ कमेंट लिख दो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा कैमरा को फेस करना है, मुझे बताया था क्या टैलेंट है आप में? टैलेंट तो कुछ नहीं है। और एक मैं मैसेकर दे सकता हूँ? श्योर। वो मैंने अपने कजन से 1000 रुपए लेना है। वो अगर भाई मेरे ना यार अरफान भाई 1000 रुपए मुझे वापस कर दे प्लीज। 5-6 दिन हो गए हैं, कॉल भी कर रहा हूँ वो उठा नहीं रहे हो, तो मेहरबानी पैसे भेज दे मेरे। रुको जरा सबर करो जी। अरफान भाई इनके पैसे भेज दें। अब तो मैंने भी आपको भाई बना लिया। अब तो मैंने भी आपको भाई बना लिया।